हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, सिंगल कॉलम कैशबुक वाला। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैशबुक का बेस और विद एग्जांपल कवर किया है। आज की क्लास में भी हम सिंगल कॉलम कैशबुक का ही एग्जाम्पल कवर करेंगे, जो रह गया है एक एग्जाम्पल। इससे लास्ट क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रांजेक्शन्स हैं जो विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैशबुक के अंदर रिकॉर्ड करनी है। 2017 के 1 मार्च को बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड का 82,000 से। तो जो कैश होती है ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाई जाती है। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब हम कैशबुक स्टार्ट करेंगे बनानी, तो इसमें डेबिट साइड से ओपनिंग बैलेंस की जो शुरुआत की जाएगी। तो जब इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैशबुक का फॉर्मेट बनाते हैं, ये कैशबुक की डेबिट साइड होती है, ये कैशबुक की क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आती है, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के अंदर यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाती है वो आती है सारी की सारी रिसिप्ट, यानी कि जहाँ से पैसा आया है रिसिप्ट रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद कॉलम होता है वाउचर नंबर का, फिर आता है लेजर फोलियो का, फिर आता है अमाउंट का। ऐसे सेम यही फॉर्मेट है जो इस साइड भी अपनाते हैं। सबसे पहले डेट, फिर आती है पार्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकुलर आते हैं वो किसी चीज़ के आते हैं, पेमेंट के। तो यहाँ पे जितनी पेमेंट की जाती है वो रिकॉर्ड की जाती है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और फिर आता है हमारे पास अमाउंट। जैसे सबसे पहले अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस हम जो स्टार्ट करते हैं इसका, वो करेंगे इस साइड से, डेबिट साइड से, क्योंकि कैश असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कहाँ से कैशबुक की जो शुरुआत कहाँ से करते हैं ओपनिंग बैलेंस की, डेबिट साइड से। डेबिट साइड पर 2017 की 1 मार्च को, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमारे पास 82,000, तो 82,000 से हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं गुड्स की परचेज की गई है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्रेडिट में है, तो हम मानेंगे कि कैश में है, जो कैश के अंदर परचेज की गई है गुड्स की। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते जनरल के अंदर, कैसे रिकॉर्ड करते थे, परचेज टू कैश के नाम से। अब हमने यहाँ पे परचेज़ के टाइम पे क्या की गई है, पेमेंट की गई है, तो इसको पेमेंट साइड पे दिखा देंगे, लेकिन अपोजिट अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, परचेज़ के नाम से। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे, यानी कि पेमेंट साइड पे इसको दिखाया जाएगा। 5 मार्च को बाय परचेज़ के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या की गया, परचेज़ करने के कारण पेमेंट की गई है 20,000 से, जो अमाउंट की पोस्ट कर दी जाएगी। गुड्स परचेज की गई गणेश से, यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है, मतलब कि उधार में गुड्स परचेज की गई है। हमने कैश बुक के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है जो कैश से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे उधार से जो जुड़ी हुई गुड्स होती हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो गुड्स परचेज की गई है उधार में की गई है, इस कारण से इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। गुड्स परचेज की गई है लक्ष्मी से कैश में, तो यहाँ पे नाम भी मेंशन किया गया, कैश में भी लिखा गया कि कैश भी है। तो मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन किस में की गई, कैश में। जब हमने जर्नल्स कवर की थी तो जर्नल के अंदर हमने ये समझा था अच्छे से कंसेप्ट को, कि जब पर्सन का नाम भी गिवन होता है और कैश भी गिवन होता है, तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश में दी होती है। अगर सिर्फ नाम मेंशन होता, जैसे यहाँ पे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में सिर्फ नाम मेंशन था, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे नाम के साथ कैश भी मेंशन किया गया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे गुड्स परचेज की गई है, तो परचेज करते तो यहाँ पे पेमेंट की जाती है कैश के अंदर, तो परचेज जो रिकॉर्ड की जाएगी वो किस साइड की जाएगी, क्रेडिट साइड पर की जाएगी, यानी पेमेंट साइड पर, क्योंकि जब हम इसकी एंट्री करते जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते, परचेज टू कैश के नाम से रिकॉर्ड करते। तो हमने कैश बुक के अंदर अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है, अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। 15 मार्च को बाय परचेज के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी ट्रांजेक्शन। 50,000 इसकी अमाउंट है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 50,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है गुड सेल की गई है, तो यहाँ पे पर्सन का नेम डिफाइन नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि कैश में हम मानते हैं कि सेल की गई गुड्स,
तो सेल करने से कैश का इन्फ्लो होता है, यानी कि कैश की कैलोरी रिसिप्ट हो रही है, तो इसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अकाउंट अपोजिट ओपन किया जाएगा। कौन सा अपोजिट अकाउंट है? सेल, क्योंकि जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाते, तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट कौन सा ओपन किया था? सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक के अंदर हम कैश नाम से तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट कौन सा? सेल्स। तो यहाँ पे 18 मार्च को टू सेल्स के नाम से दिखाया जाएगा, 18 मार्च को टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। 25,000 के गुड्स सेल की गई है, तो यहाँ पे 25,000 है जो रिकॉर्ड कर लिए। गुड्स सेल की गई सरस्वती को, यहाँ पे अब नाम मेंशन कर दिया गया बच्चों। जब नाम मेंशन कर दिया जाता है तो मानते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन की गई है, यानी कि क्रेडिट में सेल की गई है, जबकि कैश बुक के अंदर तो सिर्फ हमने कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो ये ट्रांजेक्शन है 20th of March की, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। गुड्स सोल्ड की गई देव को कैश के अंदर, अब यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया गया और कैश भी वर्ड आ गया, मतलब कि जो सेल की गई गुड्स वो कैश के अंदर की गई है, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जब सेल की जाते कैश में तो ये रिसिप्ट होती है, तो इसको कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे दिखाएंगे। अपोजिट नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। तो 25 मार्च को टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर ली जाएगी, 25 मार्च को टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड पे। अमाउंट है जो 15,000, तो 15,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली गई है। रिसीव हुए सरस्वती से, यानी कि कैश रिसिप्ट हुई है यहाँ पे सरस्वती से। अगर हम इसको रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते? कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती के नाम से दिखाते, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे हम इसको दिखाएंगे। अपोजिट नाम क्या है? सरस्वती। टू सरस्वती के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा 28 मार्च को, 28 मार्च को टू सरस्वती के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। 30,000 जो रिसीव हुआ है, तो 30,000 यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। बच्चों जो ये जर्नल चैप्टर हमने कवर किया था, वो बिल्कुल एक एक एग्जांपल हमने एक एक कंसेप्ट विद रीज़न अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको कैश बुक समझने में दिक्कत आती है, मतलब कि आपके जर्नल में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो आप अगर चाहें तो जर्नल वाले जो मेरी सीरीज़ है यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, वो आप देख के आ सकते हैं, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए जर्नल का। क्योंकि बिना जर्नल की नॉलेज के आप कैश बुक के अंदर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमेशा अपोजिट अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। क्योंकि कैश बुक के अंदर हमने कैश के नाम से तो यहाँ दिखा नहीं सकते ट्रांजेक्शन को, क्योंकि सेम तो हम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर नहीं सकते कि यहाँ भी हम कैश बुक के अंदर यहाँ भी कैश कैश दिखा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो हमेशा अपोजिट नाम से ओपन किया जाता है। अब किस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा अपोजिट अकाउंट बनता है, तो ये आपको बेस क्लियर होगा जर्नल चैप्टर से। तो आप जर्नल चैप्टर को, अगर आपकी कहीं ना कहीं कमी लग रही है ना आपको समझने में कैश बुक, तो आप पहले जर्नल चैप्टर को समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया हुआ है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिस्क्राइब करके विद रीजन मैंने कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क की, जो सैलरी पेमेंट की गई है ऑफिस क्लर्क को। सैलरी क्या होती है? एक्सपेंस होती है, नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी की पेमेंट की जाती है, तो यहाँ पे कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते एक्सपेंस है सैलरी, तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट कर देते हैं, तो सैलरी टू कैश के नाम से। तो यहाँ पे इसको पेमेंट साइड पे दिखाया जाएगा 31 मार्च को। अपोजिट अकाउंट कौन सा? सैलरी अकाउंट। 31 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट के नाम से। 31 मार्च को पेमेंट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट के नाम से हमने इसको रिकॉर्ड करनी है। 10,000 इसकी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि ऑफिस का रेंट पे किया गया। रेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इसकी करनी पड़ती है पेमेंट। नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, तो इसके अगर जर्नल रिकॉर्ड करते कैसे करते? रेंट टू कैश के नाम से, यानी कि इसको पेमेंट साइड पे दिखाएंगे कैश बुक के अंदर। अपोजिट नाम क्या आएगा? अकाउंट अपोजिट कौन सा? रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे 31 मार्च को बाय रेंट अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन 31 मार्च को बाय रेंट अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करते, जो इसकी अमाउंट है वो बनते हैं 5,000। तो यहाँ पे इसकी जो पोस्टिंग है 5,000 से कर देंगे। इसके बाद हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना है, तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पे पेमेंट साइड का। तो जो रिसिप्ट साइड का टोटल आता है वो बनता है 1,52,000 से। यहाँ पे टैली जरूरी करना होता है बैलेंस 1,52,000, जबकि पेमेंट साइड का बैलेंस है जो कम पड़ता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 67,000 से। लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको दिखाएंगे बाय
बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आया 31 मार्च को, क्योंकि दोनों ही साइड जो बराबर करनी होती है डेबिट और क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर जहाँ आती है उस साइड पे इसको क्लोज कर दिया जाता है अकाउंट को। तो जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होता है यही 1 अप्रैल का, यानी कि नेक्स्ट पीरियड का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा 67,000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ वाला और कैश डिस्काउंट रिसीव वाला विद एग्जांपल कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्लुएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।